भयानक हादसा वापरे। तेज़ रफ्तार थार आके डिवाइडर विचा वजदी और देखते ही देखते पूरी गड्डी चकना चूर हो जाती है। इस गड्डी दे विच पुलिस मुताबक 3 तो 4 नौजवान सवार से उन्होंने तुरंत हस्पताल पहुँचाया जाता है, पर अजे तक उन्होंने सेहत की अपडेट इस बारे कुछ सामने नहीं आ पाया। पर इस हादसे दीआं तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं, तुसीं वेख सकते हो कि गड्डी की रफ्तार कितनी तेज़ होएगी कि जिस तरह ये जाके वजदी है तो गड्डी पूरी तरीके दे नाल नुकसानी जांदी है। थार गड्डी जिसनों तेज़ रफ्तार दे विच कुछ नौजवान चला के आ रहे से, गड्डी दा आखिर की हाल हो गया। हालांकि जो लोग उत्थे मौजूद से जिन्होंने हादसा वेख्या, जो आस पास के रहन वाले ने, उन्होंने वालों ये कहा जा रहा है कि इस सड़क पर लगातार आए दिन हादसे वापरते ने, इस करके क्योंकि प्रशासन की भी लापरवाही है। डिवाइडर से लाइटा नहीं लगाई गई, रिफ्रैक्टर्स नहीं लगाए गए ताकि जिहड़े बाहरों लोग आते हैं उन्होंने इसका अंदाजा नहीं हो पाता और आए दिन इस सड़क पर कई हादसे वापरते हैं। तो प्रशासन को भी अपील है कि तुरंत इस वल ध्यान भी दिता जाए कि होर अजिहा नुकसान किसी भी होर परिवार का ना होए। तो अमृतसर तो ये तस्वीर सामने आ रही ने, देर रात को GT रोड पर भयानक हादसा वापर रहा है। एक थार गड्डी जो कि दिल्ली के नंबर की सी, तेज़ रफ्तार होने करके ग्रिल्ला दे विच जाके वजदी है। गड्डी का भयानक एक्सीडेंट हुंदा और यह भी दसिया गया कि 3 तो 4 नौजवान इस गड्डी दे विच सवार सी, तुरंत उन्होंने हस्पताल दे विच भेज दिता गया। और लोगों का यह भी कहना है कि प्रशासन ते इल्जाम लगाए ने लोगों ने कि इस थां ते हादसे हुंदे ने, और प्रशासन नूं अपील भी की है कि इत्थे आके जरूर इस वल ध्यान दिता जाए, इत्थे लाइटां लगाइया जाण, रिफ्रैक्टर्स लगाए जाण ताकि मुड़ कोई अजिहा हादसा इस थां ते ना वापरे। तो तस्वीर थानू विखा रहे और मौके पर मौजूद लोगों का इस मामले ते की कहना है, पुलिस की कह रहे ने भी थानू सुना दिंदे आ। मेरा माड़ी ग्राउंड नाम है, मैं अमृतसर का रहने वाला, अच्छे मगर साइड कोठे की है, न्यू अमृतसर का नाम है। की घटना वापरी भाई? घटना है वे कि देखो डिवाइडर बने हुए हैं, ठीक है जी, ना इतने लाइट्स है ना कोई इतने मतलब कि ना रिफ्लैक्टर है कि बंदे को पता लग जाए। हूँ बंदा बाहरों आया, दिल्ली का बंदा नंबर है जी, ठीक है, उन्होंने ना पता लगे कि डिवाइडर है, पता लग जाए ना कि रिफ्लैक्शन लगे होने बंदा उधर कर लगा, कुछ नेरा किया है वा कुछ पता नहीं लगता है, ठीक है जी। बंद ने एक नहीं महीने से मैं घट्टो घट 4-5 केस भेज देंगे इतने कि इदा के होंगे करेट हो जाते हैं, ठीक है जी। बाकी सरकार को यह कहना चाहिए कि जेडे बनाए हुए हैं इन्हों लवा के तो नॉर्मल सड़क बनानी चाहिए है, ना जी बस स्टैंड बनाए हुए जो छोटे छोटे, ठीक है, ये नॉर्मल गल् है, कोई बस आराम खलो के अपने पसेंजर लैके जा सकती है, क्योंकि दूजिया PRTC की बसा भी खलो के अपन बसा जो पसेंजर ले जाती है। बाकी यह जायज ही बनाए हुए हैं, ना फिर लोगों की दूजी गल् लोग एंटर करते हैं, उन्होंने कोई चलान कर देंगे, ठीक है जी। जी थार बची कितनी स्पीड थी? थार की कोई स्पीड तो नहीं पता मैक्सिमम, पर बहुत ज़्यादा मतलब कि बंदे कहते भी इतने लगी लुकी है, बंदे तो कहते सारे पे बचा है वा, बाकी वेखो। मेरा भाई शहरी ना जी, आ लोकल ही अपनी कोठी है। घटना भाई वापरी है, देखो जी फ्लाईओवर उतरता पाया, फ्लाईओवर के सामने गाटर बनाया इन्होंने जोड़ा दिसदा नहीं आ, मतलब ये तो रोज़ के 4 एक्सीडेंट होंगे आ, वो वीर होनी बाहर दे लोकल नहीं जो पता नहीं लगा, वीर होनी चलो स्पीड दे नहीं स्पीड दे, पर सरकार को चाहिए ही
ਐਂਗਲ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ? ਸਮਾਂ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ? ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨੇ? ਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਚਾਅ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ, ਚਲਾਨ ਕਰਦੀ ਜੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 2023 ਦੀ ਬਾਅਦ ਕਮੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਫਲਾਈਓਵਰ ਉੱਤਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ? ਨਾ ਭਾਈ, ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲੀ? ਮੇਰਾ ਰਾਮਪਾਲੀ ਐਸਏ। ਕੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ 9 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸੀ? ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 3-4 ਬੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ? ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਚ ਗਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦ ਪਾ ਗਈ ਘਟਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਆਣ ਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ।